कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। इस साल आम लोगों को सरसों के तेल की कीमतों में राहत देखने के को मिल सकती है। खाद्य तेल संगठन COOIT के मुताबिक पिछले साल अच्छी कीमत मिलने से सरसों के तेल का रकबा बढ़ा है, जिससे इस साल सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। संगठन जल्द ही अपने सरसों उत्पादन के अनुमान जारी करेगा। खाद्य तेल उद्योग संगठन COOIT ने खाद्य तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार से देश में सरसों की खेती को बढ़ावा देने की मांग की है। COOIT ने सरकार से स्थानीय तिलहन प्रसंस्करणकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच उचित आयात शुल्क अंतर बनाए रखने का भी अनुरोध किया है। उद्योग संगठन राजस्थान के भरतपुर में 12 या 13 मार्च तक अपना 42वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित करेगा, ताकि चालू रबी सत्र में सरसों के उत्पादन के अनुमान को अंतिम रूप दिया जा सके। सम्मेलन में घरेलू प्रसंस्करणकर्ताओं के सामने आने वाली उच्च वैश्विक कीमतें और मूल्य के संदर्भ में बढ़ते आयात जैसे अन्य चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। COOIT ने एक बयान में कहा कि तिलहन तेल व्यापार और उद्योग पर 42वें अखिल भारतीय रबी संगोष्ठी में कई केंद्रीय और राज्य मंत्री, सरकारी अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, उद्योग जगत के अग्रणी लोग और प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सरसों तेल उत्पादक संघ मोपा और भरतपुर ऑयल मिलर्स एसोसिएशन BOMA द्वारा किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान COOIT फसल वर्ष 2021-22 जुलाई जून के लिए खेती के रकबे, प्रति हेक्टेयर उपज और सरसों के उत्पादन के अनुमान की घोषणा करेगा। सरसों दाना रबी के मौसम में ही उगाए जाते हैं और बुवाई अक्टूबर से शुरू होती है, जबकि कटाई फरवरी के अंत से शुरू होती है। सरसों मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। COOIT के अध्यक्ष ने कहा कि हम इस रबी सत्र में रिकॉर्ड सरसों के उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों ने इस फसल को अधिक रकबे में लगाया है, क्योंकि उन्हें पिछले साल की फसल से बेहतर कीमत की प्राप्ति हुई है। उन्होंने कहा कि तेल उद्योग घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने की रूपरेखा तैयार करेगा। भरतपुर ऑयल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरसों की खेती के रकबे को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है, क्योंकि सरसों दाना में तेल की मात्रा सोयाबीन के बीज की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए सरकार के लिए इस फसल की खेती को प्रोत्साहित करना जरूरी भी है। भारत खाद्य तेलों की अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 60-65% आयात करता है। तेल वर्ष 2020-21 नवंबर अक्टूबर में देश का आयात 1.3 करोड़ टन पर स्थिर रहा। हालांकि मूल्य के संदर्भ में आयात काफी बढ़ गया और यह पिछले वर्ष के लगभग 72,000 करोड़ रुपए के आयात की तुलना में बढ़कर 1.17 लाख करोड़ रुपए की ऊंचाई पर पहुंच गया। COOIT ने कहा कि वह सरकार से स्थानीय प्रसंस्करणकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल के बीच आयात शुल्क अंतर बनाए रखने की मांग कर रही है। वर्ष 1958 में स्थापित COOIT देश में संपूर्ण वनस्पति तेल क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।